हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये क्यूट सा हेयर बैंड और क्लिप्स लेकर आई हूँ, जो आप इसे क्रिसमस पे पहन सकते हो। आप अपने हाथों से इसे बना करके अपने फ्रेंड्स को, छोटे बच्चे को गिफ्ट कर सकते हो क्रिसमस पे, या उनके बर्थडे पे, न्यू ईयर पे, किसी भी ओकेज़न पे आप इसे गिफ्ट कर सकते हो। और ये इतना सुंदर लगेगा जब आप अपने हाथों से बनाकर किसी को गिफ्ट करोगे, तो बहुत ही तारीफ़ें मिलेगी आप सबको। तो ये जितने भी मैंने हेयर बैंड और क्लिप्स बनाई है, वो सारी मैंने ग्लिटर पेपर को यूज़ करके बनाई है, और ये काफ़ी सिंपल है। अब मैं इसे बहुत ही इजी वे में बताई हूँ बनाना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है, और मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बनाएंगे हेयर बैंड, जिसके लिए मैं ग्रीन कलर का ग्लिटर पेपर ली हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हो, बट मैं ये क्रिसमस के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन रखा है। तो पहले हम दो छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे। दो जो सर्कल है वो 5.5 सेंटीमीटर का, और जो बड़ी वाली है सर्कल वो 6 सेंटीमीटर का है। मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो मैं पेंसिल से डार्क की हूँ, जो लाइन डार्क करके बना रही हूँ, हम उसे कट कर लेंगे। एकदम सेंटर तक ले जाकर ना कट करें, थोड़ा सेंटर से ऊपर ही कट करें। फिर हम इसे फ्लावर के शेप में कट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कट कर पाते हो, तो आप वहाँ पे पेंसिल से फ्लावर की शेप वहाँ ड्रॉ कर लीजिए, तब उसे कट कीजिएगा। सारे ही को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम आयरन लेंगे, और जो हमने फ्लावर कट किए हैं उसको आयरन पे रख करके, और पेंसिल की हेल्प से या कोई भी लकड़ी की हेल्प से उसे पकड़े रहेंगे, ताकि जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं वो राउंड राउंड हो जाएं। और बच्चे इसे ना बनाएं अकेले, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लें इसे बनाने में। फिर हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं उसमें होल कर लेंगे कोई भी नुकीली चीज़ से, और फिर हम उसमें पॉलेंस को डालेंगे। सारे ही स्टेप मैं आपको क्लियरली दिखाई हूँ, आप इसे इजीली बना पाओगे। सारे फ्लावर्स को हम वैसे ही डाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसका जूड़ा पिन भी यूज कर सकते हो, बट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट मत कीजिएगा, आप उसे डायरेक्ट जूड़ा पिन की तरह लगा सकते हो। फिर हम कुछ लिप्स बना लेंगे और लिप्स को कट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम कट करने के बाद फिर उसमें थोड़ा छोटा छोटा कट लगाएंगे, ताकि वो एक लिप की शेप में दिखे। फिर हम
एक हेयर बैंड लेंगे। आप कोई भी पुरानी हेयर बैंड ले सकते हो या फिर नई ले सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो। और फिर इसे हम हॉट ग्लू से जितने भी फ्लावर्स बनाए हमने वो सारे हम हेयर बैंड पे लगा लेंगे। फिर आपको जहाँ जहाँ लीफ लगाना अच्छा लगे आप वहाँ पे लीफ को लगा सकते हैं। तो हेयर बैंड तो हमारी रेडी हो चुकी है, अब नेक्स्ट हम क्लिप्स बनाते हैं। क्लिप्स बनाने के लिए हम कोई भी पुरानी क्लिप्स का एलिगेटर का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नई भी ख़रीद सकते हो। बस सेम प्रोसेस जो हमने फ्लावर बनाई थी, बस वैसे ही फ्लावर बना करके हम क्लिप्स पे स्टिक कर देंगे हॉट ग्लू की हेल्प से। सेकंड हम वो क्लिप्स बनाएंगे जिसका मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे दिखा चुकी हूँ। तो पहले हम पेपर ले लेंगे। तो पेपर का लेंथ मैंने 17 सेंटीमीटर रखा है और उसका ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड जो मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ उसे आप देख करके ड्रॉ कर लीजिए और फिर कट कर लीजिए। सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस यहाँ पे हम पेपर की साइज छोटी रखेंगे जिसका लेंथ मैं 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर ली हूँ। और जो पैटर्न पहले हमने ड्रॉ किया था बस वैसे ही इसको भी ड्रॉ करके कट कर लेना है। जो थर्ड पेपर है उसकी लेंथ की मेज़रमेंट मैं 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ की मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर ली हूँ। और जो पैटर्न हम ड्रॉ किए हैं उसे कट कर लेंगे। फिर जो हमने पेपर पे पैटर्न ड्रॉ किया है उसे हम ग्लिटर पेपर पे रख करके फिर उस पर ड्रॉ करके उसे हम कट कर लेंगे। और बाकी सारी स्टेप मैं आपको अच्छे से दिखाई हूँ, आप उसे वैसे ही बनाएं और फिर इसे हम सुई धागे से सिल लेंगे। आप यहाँ पे स्टिक भी कर सकते हो बट हम यहाँ स्टिच करेंगे तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। और ग्लू से चिपकाएंगे तो ग्लू थोड़ा दिखने भी लगता है, इसीलिए मैं यहाँ स्टिच कर रही हूँ। फिर स्टिच करने के बाद हम ग्लिटर पेपर की एक लंबी स्ट्रिप कट कर लेंगे, फिर इसमें हम बीच में इसको हॉट ग्लू से स्टिक कर देंगे। फिर यहाँ हम पीछे एलिगेटर क्लिप का यूज़ करके उसे हॉट ग्लू से चिपका लेंगे। और ये हमारी बो क्लिप भी रेडी हो गई। तो आपको इन सब में क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इसे बनाते हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टा हैंडल पे मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी आप लोगों के लिए और भी ऐसी सुंदर वीडियोस लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।